पुलिस को यदि कार्रवाई करना चाहता है माननीय मंत्री जी, तो कार्रवाई करे, ध्वस्त करे घर को। ध्वस्त करने का नहीं, नहीं, हम तो बता रहे हैं, आप तो झेले हैं, इसलिए बोल रहे हैं। सुन तो लीजिए मंत्री जी, मैं झेला हूँ। मेरे घर तो 24 घंटे में धर ध्वस्त कर जब्ती का न्यायालय 24 घंटे में कुर्की जब्ती किया था। जब तक न्यायालय का आदेश कुर्की जब्ती का नहीं होगा तब तक कार्रवाई पुलिस नहीं करेगी, न्यायालय में दे दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में आपको बता दे कि जब बिहार विधान परिषद की कार्रवाई चल रही थी उस वक्त नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी और बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव में खूब बहस भी हुई और नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का जो दर्द है वो भी छलका है। पहले आप इस पूरे वीडियो में देखिए कि किस तरह से सदन में दोनों लोगों के बीच बहस हुई है। मुखिया की मृत्यु हुई है, हत्या हुई है, उसने चुनाव जीतने के बाद ही जिलाधिकारी को कहा था कि हमको मार दिया जाएगा और रोने लगा था। चुनाव जीतने के बाद कोई व्यक्ति इस तरह का करता हो, एकदम यंग लड़का, मात्र 30 से 32 साल का यंग लड़का की हत्या कर दी गई और वो बार बार ये आगाह कर रहा था जिला प्रशासन को कि हमारी हत्या हो सकती है, हमको सुरक्षा दी। कोई सुरक्षा नहीं दिया गया और आज भी कई लोगों को एक तरह से मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि सरकार बचाना चाह रही। कुछ लोगों की जब वहां दबिश हुई तो वहां गिरफ्तारी हुई, लेकिन कुछ लोगों को क्यों छोड़ा गया? नाम पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों बचाया जा रहा है। यह स्पष्ट है, इन चीजों को से सरकार को कार्रवाई करना चाहिए और एकदम समय सीमा में इस सबकी गिरफ्तारी हो और सबके खिलाफ, क्योंकि सरकार, राज्य सरकार ने तय किया था कि हम स्पीडी ट्रायल चलाएंगे। जहां भी मुखिया या जनप्रतिनिधि की हत्या होगी स्पीडी ट्रायल चलाकर हम एक महीने के अंदर सजा दिलाएंगे। तो ऐसे कितने लोगों को सजा मिला ये तो माननीय मंत्री जी बताएं। माननीय मंत्री महोदय, अब पता नहीं वस्तु स्थिति है, सुन लीजिए उत्तर क्या है। वस्तु स्थिति है कि बेगूसराय जिला अंतर्गत नव निर्वाचित मात्र एक मुखिया 01 मुखिया श्री वीरेंद्र कुमार उर्फ वीरेंद्र शर्मा की हत्या के संबंध में वादी ललिता देवी के लिखित आवेदन के आधार पर मुफस्सिल थाना कांड संख्या 54/23 दिनांक 2/2/23 धारा 302-120-B-34 भादेवी एवं 27 आर्म एक्ट के अंतर्गत प्राथमिक अभियुक्त फैज अहमद खां उर्फ अंजुम, 2 मोहम्मद इफरान, 3 मोहम्मद सैफुल अंसारी, 4 महफूज अंसारी, 5 वीरेंद्र यादव उर बिलवा सभी जिला बेगूसराय तथा 3 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया। वस्तु स्थिति यह है कि उस कांड के नामजद अभियुक्त फैज अहमद खां उर्फ अंजुम, मोहम्मद फरमान, 3 मोहम्मद इश्तियाक, 4 मोहम्मद जलील को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अप्राथमिक मोहम्मद सैफुल अंसारी छठा जो है माननीय न्यायालय में समर्पण कर न्यायिक हिरासत में है। अप्राथमिक अभियुक्त बुग्गी ठाकुर, 2 ऋषि कुमार, 3 रणधीर महतो की गिरफ्तारी हुए प्रयास जारी है। नामजद प्राथमिक अभियुक्त वीरेंद्र यादव उर्फ बिलवा के विरुद्ध वारंट इश्तेहार एवं कुर्की अधिपत्र 1 साथ निर्गत करते हुए माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया। कार्रवाई तो हो ही रही है, 2-3 महीने की बात है। 2 महीना से अधिक समय हो, और आप समझिए कि घर ध्वस्त आज तक नहीं हुआ। फॉर्मेलिटी कर रही है पुलिस क्या? पुलिस को यदि कार्रवाई करना चाहता है माननीय मंत्री जी, तो कार्रवाई करे, ध्वस्त करे घर को। यदि अपराधी भागे हुए हैं तो उनके घर को ध्वस्त कराइए। नहीं नहीं, मान्य सर, नहीं होता है ना, न्यायालय में कुर्की जब्ती का होता है, सामान कुर्की ध्वस्त करने का नहीं, नहीं, हम तो बता रहे हैं, सुन तो झेले हैं, इसलिए बोल रहे हैं। सुन तो लीजिए मंत्री जी, मैं झेला हूँ, मेरे घर तो 24 घंटे में धर ध्वस्त कुर्की जब्ती का न्यायालय 24 घंटे में कुर्की जब्ती निकला था। अब आप कैसे, नया कानून हो गया क्या? सुन तो लीजिए, मैंने क्या कहा, जब तक न्यायालय का आदेश कुर्की जब्ती का नहीं होगा तब तक कार्रवाई पुलिस नहीं करेगी, न्यायालय में दे दिया गया है अनुमति मिलने के बाद। आपको आपको यदि कुर्की जब्ती नहीं मिल रहा है तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, जांच गलत दिशा। न्यायालय हमारे अंडर में है क्या? नहीं, गलत दिशा में आप दे रहे हैं जांच का प्रक्रिया।
तो आपने पूरा वीडियो देखा है कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने अपनी बातों को रखा है और उन्होंने यह तक कह दिया कि 24 घंटे के अंदर ही मेरे घर को ध्वस्त कर दिया गया था, पर पिछले 2 महीने से आपने आरोपियों के घर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है, ना तो अभी तक कुर्की जब्ती हुई है, ना तो उनके घरों पर अभी तक बुलडोजर चला है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी और बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव में खूब बहस भी हुई। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।